हेलो स्टूडेंट्स, आज आप करांगे अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व। केमिस्ट्री सेक्शन दे आप सॉल्व कर रहे सीगे केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर मास्टर किड जेड़ा 2023 दे विच हुए सी। ओके, ता ए वाला अगले 10 क्वेश्चन आज आप इस वीडियो दे विच सॉल्व करते हैं। ता की पूछा गया इस दे विच मेटाजाइलिन दे बेसिक एनएमआर सिग्नल्स दसने हैं। तो मेटाजाइलिन की होंगे जदों दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे दे मेटा पोजीशन च लगे हुए हैं रिंग दे उपर, एक मिथाइल ए वाला दूसरा मिथाइल ए ही वाला। ओके, तो देखो इस दे विच ए दोनों मिथाइल जेडे है ने, ए दोनों मिथाइल सब्सटीट्यूएंट्स दे टोटल 6 प्रोटॉन्स ने। ओके, दोनों तीन इन्हां तिना प्रोटॉन्स दा सेम एनवायरमेंट, इन्हां तिना दा सेम एनवायरमेंट है, तो यह इक्वलेंट है। टोटल 6 प्रोटॉन्स तो सानू एक सिग्नल मिलेगा। क्लियर, यह वाले जेड़ा प्रोटोन है सेंटर दे विच इहदा अलग एनवायरमेंट है, यह एक सिग्नल देगा। इस मिथाइल ग्रुप दे विद रिस्पेक्ट टू इस पोजीशन दे ए भी ऑर्थो पोजीशन है, ए भी ऑर्थो पोजीशन है, यह दोनों ऑर्थो पोजीशंस इक्विवेलेंट है। तो इन्हां ते जो प्रोटोन अटैच ने यह दोनों भी, एक यह वाला एक यह वाला, यह दोनों भी एक सिग्नल देंगे। यह पैरा पोजीशन ते एक प्रोटोन है, इहदा डिफरेंट एनवायरमेंट है, यह भी एक सिग्नल देगा। सो टोटल सानू इहदे विच मिलणगे 4 सिग्नल। सो इसका करेक्ट आंसर है 4। तो देखो बच्चे, इस दे विच आपां की पता करना सी केपी ते केसी दे विच कर रिलेशन। तो जो क्वेश्चन आपां कल कीते सी 10, उन्हां विच भी सेम क्वेश्चन सी इह, ए वाला एक होर क्वेश्चन उन्हें पा रखिया, ए भी सेम है, तो इट मीन वो इहदे विच क्वेश्चन पांदा ही है। ठीक है, तो इस च केपी ते केसी च रिलेशन कढ़ना है। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੇ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਕੇ ਸੀ। ਕੇ ਪੀ ਤੇ ਕੇ ਸੀ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੇ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੈਲਟਾ ਐਨ। ਕੇ ਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫਾਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਰ ਇਜ਼ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਟੀ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਿਸ, ਸੌਰੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, दिस इज प्रेशर कॉन्स्टेंट। ओके, डेल्टा एन, डेल्टा एन की है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर, तो इस विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखो किन्ने हैं, दो ते एक। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किन्ने हैं, 2+1। रिएक्टेंट किन्ने हैं, 2। कैलकुलेट करो किन्ना आया, 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू किन्नी आती है साढ़े को, 1। ये वैल्यू तुसी इत्थे फिल करो की आई, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी दी पावर 1। सो दिस इज करैक्ट आंसर। सो अपना ये आंसर से 4 ऑप्शन ए करैक्ट। ओके, ए सी साडा करैक्ट आंसर। नैक्सट, इस दे विच आपां नूं की दित्ता उहनां ने, 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सबसटांस डिकेज डिकेज टू दिस इन दिस टाइम। सो की है, ए सानूं उहने कहड़ी दित्ती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री चो यह वाला क्वेश्चन आया से, न्यूक्लियर रिएक्शन दिती है उन्हें यह वाली सानू। तो बच्चे न्यूक्लियर रिएक्शन जिन्हिया भी ने वह सारिया होंदिया ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंदिया तो वो वास्ते जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होंगी होंगी 2K = 2.303 / T log ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, इनू तुसी होर एक समझ सकते हो, 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट, ए की है साडे कोल, ए है ए नॉट जिवें साडी इनिशियल कंसंट्रेशन है। सपोज करो किसी पर्टी ए इनिशियल कंसंट्रेशन जो साडा टाइम की सी टी इज इक्वल टू जीरो, किसी पर्टिकुलर टाइम के उपर डिके हो जाएगा। ओके,
एक्स पार्ट जे साडा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स दा जेहड़ा एक्स पार्ट है जे ये डिके हुंदा है इस दा ओके तां साडे कोल जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बचदी है लेफ्ट दैट इज ए तां तुसी इत्थे ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ए आ गया साडे कोल रिलेशन। हुण क्वेश्चन च ध्यान नाल समझो की दे रहा हो। वो कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टांस डिकेज, इट मीन 1 ग्राम जो है वो साडा ए रेडियोएक्टिव सबस्टांस दी इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए नॉट डिकेज टू दिस। ओके तो डिके होने तो बाद ये कंसंट्रेशन किसी साढ़े को बचती है बाकी डिकेज टू 0.125 ग्राम। इट मीन उन्हें फाइनल दसिया होया है कि डिके होने तो बाद जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है दैट इज ए नॉट माइनस एक्स ओरी वैल्यू दिती हुई है थानू विच इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू ए। ओके वो किन्नी है 0.125 ग्राम। टाइम ए डिके किन्ने टाइम च हुंदा है 200 ओके आर्स च। तो इस दे विच कहिंदे हाउ मच मोर टाइम अगे होर सानू किन्ना समा लगेगा इस रिएक्शन दे विच टू रीच 0.10 ग्राम ऑफ सबस्टांस लेफ्ट ताकि डिके होने तो बाद साडे कोल रिमेनिंग किन्ना लेफ्ट होवे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 0.10 ग्राम। तो ये लेफ्ट ये भी सानू ए दी वैल्यू दिती हुई है। क्लियर असी केड़ा चक्कांगे रिलेशन ए वाले चक लेने हैं। तो के कदे इक्वल आ 2.303। टी दी वैल्यू फर्स्ट सेंटेंस च किन्नी दिती है 200 आर्स। ओके लॉग ऑफ ए नॉट दी वैल्यू कैलकुलेट कर ए नॉट दी वैल्यू दिती हुई है सानू 1। ए रिमेनिंग किन्ना दिता हुआ है सानू फर्स्ट सेंटेंस दे विच 0.125 ग्राम। बस इस चीज नू सॉल्व करो इथो तुहाडे कोल के दी वैल्यू आ जाएगी। वो मे बी के दी वैल्यू आंदी है शायद 0. कैलकुलेट करके देखियो 0.0103 इन्नी आएगी। ओके हुण ये न्यूक्लियर रिएक्शन है क्लियर। तो सो ए के दी वैल्यू तो के की है साडा डिके कॉन्सटेंट ए दी वैल्यू तो सेम ही रहनी है टाइम नाल चेंज नहीं होएगी। सो के दी वैल्यू तुसी किन्नी कड्डी 0.0103। तो नेक्स्ट दोबारा फॉर्मूला लगाओ के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 1 फाइनल लेफ्ट कंसंट्रेशन 0.10 ग्राम। ओके 0.10 ओके इतने हम अपने को के दी वैल्यू तो ए वाली फिल करो कि है 0.0103। टी दी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लियो वो थोड़ी आती है अप्रोक्स 223 मे बी सो समथिंग इन आती है 223। सो ए क्लोज साढ़े को एक ही वैल्यू सी दैट इज 221। सो असी यही वाला आंसर टिक करा इस ये साडा आएगा करैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपल सानू मास स्पेक्ट्रे दे विच उन्हें सारी पीक्स दे मास दी वैल्यू दिती हुई है सब दी ते सानू अबंडेंस भी दिती है हर एक पीक दी मास स्पेक्ट्रे दे विच मास स्पेक्ट्रम दे विच। ओके ते सानू सिर्फ ये दसना असी कि यही जेडे मास दी वैल्यूज आ ये किस कंपाउंड दा मास स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो चार दिते सन ऑप्शन सानू असी चेक करना है। तो तुसी इस दी वैल्यूज नू ध्यान नाल देखो सब तो ज्यादा अबंडेंस हैगी है 100% जिस फ्रैगमेंट दी ओदा मास आंदा है 77। सो साडे कोल एक उहने दित्ता है फिनोल एक दित्ता है नाइट्रोबेंजीन क्लोरोबेंजीन एंड टॉलीन। क्लियर तो देखो जद भी जे असी इहनू तोड़ के देखदे हां तां साडे कोल आ वाला फ्रैगमेंट तां सारिआं दे केस च बनेगा ही। इहदी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो एक है फिनोल नाइट्रोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन टॉलिन, क्लियर। सो जद भी फ्रेगमेंट बनेंगे तो ऑब्वियस ए रिंग जो बेंजीन है ए फिनाइल रिंग तो जल्दी टूटेगी नहीं, इनू तो तुसी नहीं तोड़ सकते, बट आहा वाला ए वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। सो सारे ही केसेस दे विच सानू एक कॉमन फ्रेगमेंट तो जरूर मिलेगा, दैट इज दिस। ओके जे ही बॉन्ड ब्रेक करता है तो जदों तुसी दा मास कैलकुलेट करोगे वो 77 आएगा। सो 77 ते थोनू मिलती है बेस पीक, क्लियर। 77 ते सानू मिलती है बेस पीक जिदी अबंडेंस हुंदी है 100%, वो जिदी अबंडेंस 100% हुंदी है वो बेस पीक ही हुंदी है ना, तो यही तो सारे केसेस ची मिलेगी चारों कंपाउंड्स ते। सो असी बेस पीक तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते सही, आपां नहीं पता कर सकते कि केड़ा हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। सो हुण आपां मूव करदे हां मोलिकुलर आयन पीक वल, तां मोलिकुलर आयन पीक आ उह सानूं चाहे उहदी अबंडेंस घट है ये घट भी सकदी है, बट बेस पीक तो घट ही होएगी, बाकी पीक तो घट ज्यादा हो सकदी है। सो इहदा टोटल मास दिता हुआ है 124, इट मीन टोटल मास है जो कि जो भी साडा एग्जैक्ट आंसर आएगा जिहदा भी इह मास स्पेक्ट्रम आ उहदा टोटल मास किन्ना है, ताही सानू मोलिकुलर दी टोटल आयन पीक सानू मोलिकुलर आयन किन्ने ते मिलदी है 124 ते। तो तुसी बच्चा कैलकुलेट करोगे ना चारा दा टोटल मास एदा अलग तो एदा देखो किन्ना मास एदा, तो जो तुसी कैलकुलेट करोगे तो 124 सिर्फ बनता है इस दा बी ऑप्शन दा 124, तो इन्हां चारा चो साडा एग्जैक्ट आंसर है बी। तो असी जस्ट चेक कर सकते हैं बेस पीक तो चेक करके देख लिया, जे बेस पीक तो नहीं सानू आइडिया मिला क्योंकि बेस पीक देखो विच जेड़ा भी साडे कोल फ्रैगमेंट बनेगा वो सारे दे विच ही बन रहा है, सो असी बेस पीक तो कंफर्म नहीं कर सकते। सो असी मोलिकुलर आयन पीक चेक करी तो सब दा मास चेक करके देखो 124 सिर्फ नाइट्रोबेंजीन दा बनता, इट मीन नाइट्रोबेंजीन ही साडा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस दे विच उन्हें पूछा सी चार अल्काइल हैलाइड दिते ने, केड़ा अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट नाल। तो सिल्वर नाइट्रेट नाल रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड रिमूव होएगा, ओके दैट इज सेकेंडरी थिंग। सो केड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा आपां इह देखना है, जिहड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड सिल्वर नाइट्रेट दे नाल, इट मीन वह जल्दी साडे कोल क्लीव होएगा ए वाला बॉन्ड, सानू मिलेगा एक्स नेगेटिव आर पॉजिटिव, ये गल तो क्लियर है। सो सारे केसेस च सी सी एल बॉन्ड ब्रेक करेगा चारों ऑप्शंस दे विच, चारों ने अल्काइल हैलाइड दिते सी, तो असी देखना है देखो ओहो वाला अल्काइल हैलाइड ही फास्ट रिएक्ट करेगा जेड़ा जल्दी जिस दे विच जल्दी सी एक्स बॉन्ड क्लीव होगा, ओके ते ओदे विच ही जल्दी क्लीव होएगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा जिदे कोरस्पोंडिंग जो आर पॉजिटिव बनने वाला है, जो साडे कोल तां कार्बन ही है हर से साइड च, तो साडे कोल की बनेगा इंटरमीडिएट चारों ऑप्शंस च। तो जेडे भी केस दे विच जिन्नी जल्दी जिन्ना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उन्नी ही जल्दी ओदे कोरस्पोंडिंग अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा जल्दी डिसोशिएट होएगा। सो असी हुण ये देखना है कि ये चार ऑप्शन जो कर दिते हैं सानू अल्काइल हैलाइड उन्होंने केड़ा कार्बोकटाइन है, मतलब उस कार्बोकटाइन की किन्नी स्टेबिलिटी है, जिस भी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होएगी ओदे कोरस्पोंडिंग अल्काइल हैलाइड दे विच जो सी सी एल बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक होया होएगा, इट मीन वो जल्दी रिएक्ट किया होएगा तो ओदी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। सो असी चेक करते हैं देखो ये कोरसपोंडिंग जे सीसीएल बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये सानू कार्बोकटाइन मिलेगा ये वाला, इस केस च मिलता है दिस, इस केस च मिलेगा सानू ये वाला, इस केस च मिलता है कार्बोकटाइन है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन ते, इस केस च मिलेगा सानू CH2 पॉजिटिव CH3। तो कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी किवें देखोगे तुसी, तुहानू पता है कि जे तीन तरह दे, इह वाला कार्बोकटाइन वैसे देखो केड़ा है नेचर च प्राइमरी,
ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਏ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਿਥਾਈਲ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ CCl ਬੌਂਡ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਔਰਥੋ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡੀਨਰੀ H2, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਔਰਥੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਔਰਥੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਰਹੇਗੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 0 ° C ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਔਰਥੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਆ ਜੇ, ਐਟ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ 1:1। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਔਰਥੋ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸੋ ਔਰਥੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਔਰਥੋ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ 3:1। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਔਰਥੋ ਟੂ ਪੈਰਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ 3:1 ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰਥੋ ਟੂ ਪੈਰਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬਾਈ 3s ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ 3s ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੈਡ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਐਟੋਮਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਊਂਗੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੋ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ
एक्चुअल जो जो फील किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा न्यूक्लियर चार्ज वो घट होंगे, वो जिन्ना घट फील होंगे एग्जैक्ट जेड़ा फील किया जाता है न्यूक्लियर चार्ज उन्हों ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किया जाता है। वो एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज है टोटल न्यूक्लियर चार्ज विचों जो तुसी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कढ़ोगे ए शील्डिंग किन्ना ये शील्ड करते हैं विच वाले इलेक्ट्रॉन्स किन्नी स्क्रीनिंग करते हैं वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो पता लगेगा। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होंगे सिग्मा, जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज चो सिग्मा सबट्रैक्ट किया जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट देन वी कैन गेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? सो ये देखो साढ़े को सल्फर दे केस च पूछा सी थ्री थ्री एस का इलेक्ट्रॉन किन्ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होंगे 16, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। क्लियर? आपां कैलकुलेट करना है 3s का एक इलेक्ट्रॉन, तो 3s दे विच ऑर्बिटल च दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जेड़ा ओदे ओदा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किन्ना फील करदा ओ पता करना है आपां। तां एक एक जेड़ा है वो भी कोई ना कोई रोल प्ले करेगा क्योंकि यह आपस दे विच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो दे रहे ने। सो स्क्रीनिंग कॉन्सटेंट सब तो पहला असीं कैलकुलेट करांगे, उस तो बाद असीं कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो इस केस दे विच थ्री आप तो थ्री एस तक कढ़ना तो थ्री पी नू छड़ सकते हो, तुसी थ्री एस का एक इलेक्ट्रॉन है जिदी तुसी जिदे द्वारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किन्ना फील किया जाता वो कैलकुलेट करना है। सो पिछे एक इलेक्ट्रॉन बचता है थ्री एस का, वो कंट्रीब्यूट करता होंगे 0.35 स्क्रीनिंग। इस तो बाद एन माइनस वन शैल केड़ा है ए वाला, इस दे विच टोटल किन्ने इलेक्ट्रॉन्स ने 8, एन माइनस वन शैल दे जो इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85। इस तो बाद जो है बाकी दे बचते ने वो दो इलेक्ट्रॉन बचते ने 1s2 च वो कंट्रीब्यूट करते ने 1। सो ए वाली है साड़ी स्क्रीनिंग च कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स द्वारा डिफरेंशियल्स दी। इस नु तुसी टोटल कैलकुलेट करो किन्ना आंदा है, कैलकुलेट करके देखते हैं आपां 0.35 दे विच ऐड करो 8 × 0.85 प्लस 2, ये साढ़े को टोटल वैल्यू आती है इस 9.15, ये आता है स्क्रीनिंग कॉन्सटेंट। तो इस दे विच साढ़े को जेड की वैल्यू जो एटॉमिक नंबर टोटल न्यूक्लियर चार्ज दिता होया 16, इस चो सबट्रैक्ट कर दो 9 − 1.5, ये आता है साढ़े को 6 point something 6.85 अप्रोक्स। ओके तो 6.85 साढ़ा चार ऑप्शन दे विचों एक ही ऑप्शन सीगा जिस च 6 वैल्यू दिखती हुई सी, सो साढ़ा एग्जैक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट देखो एंगुलर पार्ट कढ़ना है वेव फंक्शन दा 2pz ऑर्बिटल दे लिए। तो 2pz जब कोई भी साढ़े को ऑर्बिटल दिता जाता है वह वेव फंक्शन दो पार्ट्स तो बनता है एंगुलर पार्ट ते रेडियल पार्ट। एंगुलर पार्ट जे तुसी कैलकुलेट करना है किसी भी वेव फंक्शन का तो उहदा बच्चे एक ही फॉर्मूला होंदा है −1 की पावर m 2l + 1 l माइनस मॉड m फैक्टोरियल 4π l प्लस 1 प्लस m मॉड फैक्टोरियल होल पावर 1/2 साइन मॉड एम थीटा समेशन एल माइनस मॉड एम ओवर 2 के इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 1 पावर के कॉस एल माइनस मॉड एम माइनस 2 के थीटा ई रेज टू पावर अल्टा एम 5। इस दे विच एल की है साडे कोल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुंदा है। बस तुसी वैल्यूज फिल करनी है, देखो पहला
पहला 2pz ऑर्बिटल, तो बच्चा जो 2pz जो p ऑर्बिटल p x p y एंड p z ऑर्बिटल होंगे है ना, m दी वैल्यू p x वास्ते होंगी है 1, p y ली होंगी है -1, p z ली 0, इस दे वास्ते 2pz, 2pz मतलब n दी वैल्यू साढ़े कोल 2, n दी वैल्यू 2 है, p z p है तो एल दी वैल्यू रहेगी साढ़े कोल 1, पी जेड है सो एम दी वैल्यू रहेगी 0, एम दी वैल्यू 0 ते एल दी वैल्यू 1 तुसी फिल करो इहदे विच, एंगुलर पार्ट कढ़न वास्ते की आया -1 दी पावर 0, एम दी जगह ते की आ गया 2 एल प्लस 1, एल दी वैल्यू 1 फिल करो इत्थे की आ गया तुहाडा 3, एल माइनस मॉड एम, मॉड एम तो 0 है, एम दी वैल्यू तो 0 है, 1 माइनस 0 1, 4 पाई एल प्लस मॉड एम 1 प्लस 0 दैट इज ऑल्सो 1, मतलब फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही रहेगा, नाल की लिखा होया साइन मॉड एम 0, साइन 0 थीटा एदी वैल्यू भी साढ़े को रहेगी इक्वल टू 1, ये वाला भी आएगा साढ़े को -1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये वाला देखो बाकी एल की वैल्यू की रही 1, एम दी 0 डिवाइडेड बाय 2, के इज इक्वल टू 0 और 1, -1 दी पावर के तुसी एक बारी एज इट इज ही लिखो, दस दिया तो मैं कॉस एल, एल है 1, एम दी 0 वैल्यू फिल करो 2 के, इनू भी तुसी अजे एज इट इज रहन दो, ई दी रेस पावर 8 है एम 5, एम 0 आ तो ओवरऑल 0 बन गया, एदी वैल्यू भी आ जाएगी 1। ओके सो हुण के कैलकुलेट करने वास्ते के दा बच्चे ये हुंदा है कि जे एल माइनस मॉड एम ओवर 2 जेड़ा ए वाला है, अगर ए दी वैल्यू ओवरऑल 0 तो लेके 1/2 च रहिंदी है तो के दी वैल्यू तुसी 0 फिल करोगे, अगर ए दी के विच इस एल माइनस मॉड एम ओवर 2 दी वैल्यू 1/2 तो ज्यादा आंदी है तो तुसी के दी वैल्यू 0 भी फिल करोगे ते के दी वैल्यू 1 भी फिल करो, क्लियर इनी चीज। सो साढ़े कोल किन्नी वैल्यू आई एल माइनस एम मॉड बाय 2 दी 1/2, इट मीन ओह इस रेंज च तां के दी वैल्यू की फिल करोगे तुसी 0, ते जे इथे के दी वैल्यू असी 0 फिल करांगे ते एह भी 1 आ जाएगा, आ वाला फैक्टर इनी वैल्यू विच टोटल साढ़े कोल 1 दे इक्वल है, एह इथे 0 फिल करोगे 1 माइनस 0 कॉस पावर 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 तो ए की आ जाएगा कॉस थीटा, ये साढ़े को 1 ही बन जाएगा, ए वाला भी 1 ही बन गया, ये भी 1 ही है, अगे साढ़े को ओवरऑल एक टर्म होर बचती वो वाली ए, वो की है 3 ओवर 4 पाई दी पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा, ये साढ़े को आ जाता है टोटल एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ 2pz ऑर्बिटल, तो साढ़े को एक ही ऑप्शन है इस दे विच जो मैच कर रहा है सी, सो सी साडा सी इस करैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दसना सी केड़ी फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके चारा दे विच्चों सानू चार बायोमोलिक्यूल्स दिते हैं, देखो पहला क्वेश्चन कि पहला पहली स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑल आर डीकन्फिगरेशन, चेक करने हैं ऑल हैव डीकन्फिगरेशन, तो डीकन्फिगरेशन किवें देखनी होंगी बायोमोलिक्यूल्स, देखो जेड़ा ना इन्हां दी स्ट्रक्चर दे विच लास्ट ते सी एच टू ओ एच ग्रुप हुंदा है। ओके तो ये जस्ट नाल वाला जो कार्बन है जे ओदे राइट साइड ते ओ एच लग्या होएगा तो डी होएगा कन्फिगरेशन, जे ओदे लेफ्ट साइड ते ओ एच ग्रुप लग्या होएगा तो वो एल कन्फिगरेशन होएगी, सो आपां देखना है इन्हां दे विच के डी है कि एल, तो देखो इस दे विच भी जस्ट राइट ते है ए भी डी है, इस विच भी नाल वाले कार्बन ते जो एच है राइट साइड है ए भी डी है, इस च भी राइट साइड ते है ए भी डी कन्फिगरेशन दा, इस च भी राइट साइड ते ओ एच है तो ए वाले भी जो शुगर है वो भी डी कन्फिगरेशन दी है, तो सारे दी डी कन्फिगरेशन ही है, तो फर्स्ट जो ने कहा सी ऑल हैव डी कन्फिगरेशन सही ए वाला ऑप्शन था फिर एदा, दूसरा ने कहा कि 3 आर अल्डोज शुगर 1 इज किटोज शुगर, तो अल्डोज शुगर की होंगी है जे जिन्हों के कोल एल्डिहाइड ग्रुप होंगे ओ शुगर जड़ी होएगी ओ होएगी अल्डोस, जिदे कोल कीटोन ग्रुप होएगा ओ होएगी कीटोस, तो इस दे विच देखो एल्डिहाइड ग्रुप केड़ा हुंदा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इस दे विच भी एल्डिहाइड ग्रुप है
ਇਹ ਵੀ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ ਐਚ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਕੀਟੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਡੋਸ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਟੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਹੈਵ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓ ਐਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਪਿਆ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਆਰ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਟੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀ, ਓਕੇ, ਤੇ ਡੀ ਵੈਸੇ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਡੀ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਰ ਐਲਡੋਸ ਸ਼ੂਗਰ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਬਵੀਅਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਫਿਜਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।